का मुंड माल परिक्रमा यात्रा का स्वागत एनडीए के कार्यकर्ता एवं मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों व एनसीसी के छात्र छात्राओं ने फूल मालाओं से किया। भागलपुर सुल्तानगंज के मारवाड़ी युवा मंच में अतुल्य गंगा मुंड माल परिक्रमा यात्रा की टीम पहुंची। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य दीपू भुवानिया, राजेश रामुका, प्रमोद रामुका, मनोज जादुका, विपिन मुरारका, एनडीए के कार्यकर्ता, भाजपा नेता अरुण चौधरी, संजय चौधरी, बांका सांसद प्रतिनिधि पवन किसान एवं एनसीसी के कैडेट्स के छात्र एवं छात्राओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच के प्रांगण में अतुल्य गंगा मुंड माल परिक्रमा यात्रा द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं को गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए विस्तार से बताया गया। इस दौरान रिटायर कर्नल मनोज केसवर ने बताया कि 16 दिसंबर को प्रयागराज से चलकर 51वें दिन गंगा सागर पहुंची और इसके बाद नदी के दक्षिणी किनारे से यू टर्न लेकर हावड़ा हुगली से होते हुए झारखंड बिहार में भागलपुर से सुल्तानगंज 76वें दिन पहुंचे। इस टीम में लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी, गोपाल शर्मा, हिरेन भाई पटेल गुजरात, रोहित उमराव कर्नल आरपी पांडे, रोहित उमराव यूपी, रोहित जाट हापुड़, सगुन त्यागी हापुड़, इंदु दिल्ली तथा 51 एनसीसी कैडेट्स भागलपुर से सुल्तानगंज 30 किलोमीटर चलकर पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य गंगा नदी की स्वास्थ्यता, स्वच्छता एवं निर्मलता बनाए रखने के लिए जन जन का भागीदारी, सबका साथ हो। नदी के प्रदूषण मापन हेतु नदी की मुख्य धारा से पानी की सैंपलिंग कर नदी के पानी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि 13 से 14 जांच की जा रही है तथा नदी के नालों की जियोटेकिंग की जा रही है। गंगा साफ हो के नारे के साथ गंगा नदी के किनारों पर ग्रीन इंडिया फाउंडेशन द्वारा दीर्घायु वृक्षों का रोपण करना, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, बट, नीम के वृक्ष लगाए जा रहे हैं ताकि नदी के किनारों में कटाव को बचाया जा सके और शुद्ध वातावरण रहे। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता, मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य एवं मुरारका महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के छात्र एवं छात्राएं मौजूद।